तो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। गाइज, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टर्स के बारे में कि इन्वेस्टर्स किन चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान है और उनकी परेशानी की वजह क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं गाइज, कि इन्वेस्टर की जो परेशानी की वजह है वो है पेमेंट, कि उनको पेमेंट नहीं मिल पाया। बहुत से इन्वेस्टर की ख्वाहिश है कि डायरेक्टली हमारी डॉक्टर वगैरह शेख से बात हो जाए, ताकि जो है जो भी कंफ्यूजन उनके दिमाग में है उनको हम क्लियर कर सकें। तो इन्वेस्टर्स इसके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि किसी तरह से डॉक्टर वगैरह शेख जी का कांटेक्ट नंबर मिल जाए, ताकि जो है वो अपनी बात को उनके सामने रख सके। तो चलिए गाइस, जानते हैं इन्वेस्टर्स के बारे में कि वो क्या चाहते हैं, डॉक्टर वगैरह शेख से वो क्या बात करने की ख्वाहिशमंद हैं। तो वो सारी चीज़ें आज आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। आपने बोला था ना मेरा कोई मीटिंग है, उनसे 22 तारीख को मैं जाके बात करूंगा तो बताता हूँ। किससे मीटिंग है? मेरा नायरा मैम से। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं बोला। मेरा उनसे कौन काम है, मैं क्यों मीटिंग करूंगा? आपने बोला था ना मैं 23 तारीख को बात करूंगा उनसे। नहीं तो आप किसी और को फोन किए होंगे। नहीं नहीं, आप ही को की थी। फिर आपने बोले भी थे ना, आपने 20 लिंक भी आ गई है एडिट की, आपने चेक नहीं किया, 20 दिन हो गया लिंक आके। नहीं नहीं, मेरा उनसे कोई काम ही नहीं है। जैसे आप इन्वेस्टर हैं वैसे मैं हूँ, मैं उनसे मीटिंग करके क्या करूँगा? आप भी इन्वेस्टर हो ठीक है, लेकिन नहीं, मैंने बोला था ना एडिट का ऑप्शन नहीं आया है अभी तक। आप लोग, आप ही नहीं बोले थे एडिट के लिए, बहुत सारे लोग बोले थे, तो वो बात मैं आप तक पहुंचा दिया था। हाँ। बाकी करना ना करना, क्या करना है उन लोगों को करना है, उनकी कंपनी है उनको करना है, समझ रहे हैं? लोगों की बात हम पहुंचा देते हैं वहाँ तक। नहीं तो आपने बोला था 20 दिन हो गया एडिट का ऑप्शन आके। आ गया होगा इतना नहीं, मैं बहुत सारे लोग कह रहे थे कंटिन्यू करने के लिए, मैं आपा को बोल दिया था, तो उसमें कुछ एडिट का ऑप्शन कर दीजिए, लोग कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो अगर हम लोग को नोएडा मैम से डायरेक्ट बात करना है तो वो पाएगी क्या मैं सर? हाँ, अगर हम लोगों को नोएडा आपा से डायरेक्ट बात करनी है तो हो पाएगा क्या सर? कुछ चले जाइए हैदराबाद, बात कर लीजिए। जरूरी नहीं है हैदराबाद, लेकिन नोएडा मैम नहीं मिले, आबिदा मैडम मिले, उनसे बात हुई है खाली। वो आबिदा मैम माने नोएडा मैम, नोएडा मैम माने आबिदा मैम, दोनों लोग एक ही हैं, समझ रहे हैं? जनवरी से प्रॉफिट चालू होगा बोल रहे वो, तो हम लोग का तो एडिट का ऑप्शन ही नहीं है, तो हम लोग को कैसा प्रॉफिट देंगे वो? दोनों लोग एक ही हैं, कोई वो नहीं है। आप ठीक है, मैम उनसे अगर कोई कांटेक्ट नंबर मिल जाए या मैम से कोई बात होना होने जैसी। किसका कांटेक्ट नंबर? नोएडा मैम से। नहीं, मेरे पास किसी का कांटेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, कॉल सेंटर का नंबर है, वो चाहिए तो बोलिए, दे देता हूँ। नहीं, कॉल सेंटर का नंबर तो मेरे पास भी है, वो लोग इतना ही बोलते हैं खाली, जितनी बार भी कॉल करो इन्वेस्टिगेशन चालू है। अच्छा अच्छा, इससे ज्यादा कुछ बताते ही नहीं है वो लोग। वो लोग वही बताते हैं जो हमारे को पता है कि आपके इतना यूनिट है, आपका इतना पैसा है। अरे भाई, ये तो हमारे को भी पता है ना कि हमारा इतना पैसा है और इतना यूनिट है, लेकिन तुम ये सब बताओ कि हमारा पैसा आएगा कभी और हमारा वो कब होगा, क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन कब होगा? देखिए, वही लोग बताएंगे ना, जो बताना है वही लोग बताएंगे। वो लोग तो कुछ बताते ही नहीं, जबरदस्ती का कॉल सेंटर खोल के बैठे हैं वो। अब जितना पता होगा उन लोगों को बता रहे हैं। क्या पता नहीं क्या है और क्या नहीं, वो तो खाली जबरदस्ती कॉल सेंटर में तो कॉल करके तो इतना देर तो लगता नहीं, और लगेगा 2 बार हैदराबाद जाकर भी आए हम लोग, कोई भी रिप्लाई मिलता नहीं, यही बोलते हैं आपका हो जाएगा।